आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इजी और क्विक स्नैक्स की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में बना करके तैयार करेंगे। सबसे बड़ी बात तो इसका सारा सामान आपको घर पे ही मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम एक कप गेहूं का आटा डालेंगे, साथ में डालेंगे हाफ टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन को आप हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालें, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। हाफ टेबल स्पून नमक, साथ में डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। सारी चीज़ों को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। आप चाहे तो आधा मैदा और आधा गेहूँ का आटा ले करके आप इस स्नैक्स को बना करके तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। हमें इसका डो सॉफ्ट नहीं तैयार करना, हमें इसका डो सख्त तैयार करना है। जैसे हम पूड़ियों के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरीके का हमें इसका भी डो तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आप डो तैयार कर लें, इकट्ठा पानी ना डालें। और ये देखिए डो हमने तैयार कर लिया है, ये आप देख सकते हैं डो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके रख लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रहने देते हैं, तब तक चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। अब यहाँ पे हमने 6 बॉइल्ड आलू लिया है, अब मैं इसे ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट करके ले लूँगी। अगर आप इसे हाथों से तोड़ करके डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ग्रेटर से ग्रेट करके डालने से क्या होता है ना कि स्नैक्स बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। और ये आप देख सकते हैं हमने सारे आलू को अच्छी तरीके से ग्रेट करके ले लिया है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये ग्रेट हो चुकी है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काट के ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, साथ में डालेंगे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, इसे डाल करके अच्छे से आप आलू में मिक्स कर लें। पानी का इस्तेमाल इसमें ना करें, इस तरीके से मिलाते हुए आप इसे अच्छे तरीके से इसका डो बना करके तैयार कर लें। ये आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो तैयार कर लिया है, ये देखिए ये आप देख सकते हैं डो बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। हाथों को मैं थोड़ा वॉश कर लेती हूँ, इसे आप साइड करते हैं। अब हम आटे को देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं आटा भी अच्छे से सेट हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसे इस तरीके से करते हुए 4 लोई काट करके रख लेंगे, इससे क्या होगा ना कि रोटी बेलने में आसानी होगी। अब हम हथेलियों के बीच में रखते हुए इसे गोल बना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम इसे रोटी की तरह बेल लेंगे, इस तरीके से आप डालते हुए इसमें आप थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लें। उसके बाद आप इसे इस तरीके से बेलते हुए बड़ी सी रोटी आप बना करके तैयार कर ले, ये देखिए। ज़्यादा आप इसे मोटा ना रखें, थोड़ा आप इसे पतला कर ले, ये देखिए रोटी हमने बेल करके तैयार कर ली है, ये देखिए। इस तरीके से आप बेलते जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये लीजिए हमने रोटी बेल के तैयार कर ली है, ये देखिए। हमें इतना ही इसे मोटा रखना है, इसे अब हम प्लेट में रख लेते हैं। दूसरी रोटी भी हम उसी तरीके से बेल करके
तैयार कर लेंगे। फिर से हम दूसरी लोई लेंगे और हथेलियों के बीच में रखते हुए इसे गोल बना लेंगे। फिर से हम इसके ऊपर सूखा आटा डस्ट करेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिलाते हुए फिर से हम एक रोटी और बेल के तैयार कर लेंगे उसी तरीके से। और ये लीजिए, दूसरी रोटी भी हमने अच्छे तरीके से बेल करके तैयार कर ली है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, हमने रोटी बेल करके तैयार कर ली है। अब हमने जो आलू का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था ना, ये देखिए, उसे अब हम इस रोटी पे इस तरीके से फैला देंगे। थोड़ा थोड़ा हम आलू ले लेंगे और उसे इस तरीके से हाथों से इस तरीके से हम फैलाते जाएंगे। अगर फैलाने में आपको दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा सा आप उंगली में तेल ले लें, उसके बाद आप इसे ईजली फैला पाएंगे। मिक्सर ना बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी भी होनी चाहिए। अगर मिक्सर गीली होगी ना तो वो हाथों पे चिपकेगी, अगर सूखी भी होगी ना बिल्कुल ही तो वो हाथों पे चिपकेगी नहीं और ईजली ये रोटी पे फैल जाएगी। अब दूसरी रोटी जो हमने बना करके रखी हुई थी ना, उसे हम इसमें इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, उसके बाद हम इसे साइड से इस तरीके से दबाते हुए इसे हम चिपका देंगे। इस तरीके से क्या करने से क्या होगा ना, ये ईजली चिपक जाएगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, हमने इसे उंगली से इस तरीके से करते हुए ईजली इसे चिपका दिया है। ये इसे इस तरीके से करने से क्या होता है, ये ईजली चिपक जाएगी। अब हम चाकू की हेल्प से इसे इस तरीके से काट करके तैयार कर लेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इस तरीके से ज़रूर एक बार इस स्नैक्स को बना करके तैयार कर सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर शेप में काट करके तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आप काट लें, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये कट रही है। हमने इसे काट कर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे फ्लावर का शेप दूंगी। आप चाहे तो इसे इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्लावर का शेप दूंगी। इस तरीके से दोनों कोनों को पकड़ते हुए इस तरीके से चिपका ले, उसके बाद पीछे के हिस्से को दोनों को लेते हुए पीछे की ओर चिपका दे। ये देखिए, ये लग रही है ना बिल्कुल फ्लावर की जैसी। ये देखिए, बहुत ही अच्छी ये बन के तैयार हुई है। एक आपको मैं और बना करके दिखा देती हूँ। उसी तरीके से हम दोनों कोने को पकड़ करके इसे इस तरीके से चिपका देंगे, उसके बाद पीछे वाला जो हिस्सा है ना उसे और इस वाले हिस्से को दोनों को चिपका देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप बना ले फ्लावर का शेप। बहुत ही अच्छी ये बन के तैयार होगी। एक आपको मैं और बना करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ईजली ये बन के तैयार हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। सारे हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। अब बचा हुआ जो आटा है ना, उसके हम मिनी मिनी समोसे बना करके तैयार करेंगे। आप चाहे तो फ्लावर शेप में ही बना लें। मैं यहाँ पर सोच रही हूँ थोड़ा कुछ अलग सा और बना करके तैयार कर लूँ। फिर से हम इसे चकले पे रखते हुए इसे हम बेल लेंगे। जैसे आप समोसे बनाते हैं ना बड़े समोसे, उसी तरीके से आप बिल्कुल छोटे छोटे समोसे बना करके तैयार कर ले तो दो तरीके का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। इसे आप बीच से कट लगा ले। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से पानी लगा लेंगे, उसके बाद दोनों कोनों को पकड़ते हुए इस तरीके से चिपका लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से चिपका ले, उसके बाद कोन का शेप दे दे। अब मिक्सचर जो बची हुई है इसे इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से।
मिक्सचर आप अपने हिसाब से डाल ले। अब चारों साइड से हम इस तरीके से पानी लगा देंगे। पानी लगाने से क्या होता है ना कि वो ईजली चिपक जाएगी। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, ये देखिए। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे हम इस तरीके से चिपका देंगे। ये लीजिए, ये मिनी समोसा बनके तैयार हो गया है, ये देखिए। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये बनके तैयार हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर से हम उसी तरीके से दूसरा समोसा भी बना करके तैयार कर लेंगे। उसी तरीके से पानी लगाएंगे और दोनों कोनों को पकड़ते हुए इस तरीके से चिपका लेंगे और कोन का शेप दे देंगे। फिर से हम आलू वाला जो मिक्सचर है ना, इसमें हम डाल देंगे और चारों साइड से हम फिर से पानी लगाएंगे। उसके बाद इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए, ये देखिए। अब हम इसे इस तरीके से इस तरफ का लेकर के उसे इस साइड चिपका देंगे और ये लीजिए, मिनी समोसा बनके बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल छोटे छोटे हमने समोसे भी बना करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे समोसे भी बना करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, फ्लावर समोसा और मिनी समोसा बनके तैयार है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दी है। अब हम इसमें फ्लावर वाले जो समोसे बना के रखे हुए ना, इसमें हम डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही हाई रखें और सारे समोसे को आप इसमें डाल दें। जब आप सारे समोसे डाल देना, तो उसके बाद गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए इसे आप फ्राई कर लें। अब हम इसे पलट लेंगे, ये देखिए, इस तरीके से धीरे धीरे पलट लें। लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होता है, ये बहुत ही क्रिस्प बन के तैयार होगी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। सारे समोसे को हमने पलट लिया है और ये लीजिए, सारे फ्लावर वाले समोसे फ्राई हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बन के ये तैयार हुई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, ये देखिए, ये देखिए। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। घर में अगर छोटे मोटे पार्टी हो, आप उस टाइम पे एक से दो घंटे पहले इस तरीके से बना करके आप फ्रिज में रख लें। उसके बाद आप इसे पार्टी के टाइम गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व करें। ये लीजिए, फ्लावर वाले समोसे तो हमने फ्राई कर लिया है। अब मैं मिनी वाला जो समोसा बना के तैयार किया है ना, उसे भी इसमें डाल करके मैं फ्राई कर लेती हूँ। उलट पलट करते हुए हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इस तरीके से ज़रूर एक बार बनाएं। और ये लीजिए, मिनी समोसा भी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ, ये देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होती है। बच्चे इस स्नैक्स को देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये आटे की बनी हुई है। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, फ्लावर वाले समोसे, उसके बाद इसमें डालेंगे हम मिनी समोसे। दोनों स्नैक्स हमने बना करके तैयार कर लिया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। इसे आप केचप के साथ सर्व करें या हरी वाली चटनी के साथ, ये दोनों के साथ परफेक्ट जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।